नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे सेशन का नाम है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सटल और बहुत डीप टॉपिक है। इसके बारे में जितने भी सीरीज किए जाए, जितने भी घंटों तक बात की जाए, उतना कम है। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग क्यों करना है, इसे क्यों समझना है पहली तो, और कैसे करना है, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके काफी सारे टेक्निक्स हैं सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के, उनके बारे में बेसिक जानकारी शायद हम इस वीडियो में ले पाएंगे, और उसके ऊपर डिटेल जो जानकारी है एक एक टेक्निक के ऊपर, उसके लिए हम अलग से दूसरे वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग क्या है। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का लिटरली मीनिंग देखा जाए तो यह है कि अंतर्मन को फिर से प्रोग्राम करना, हमारे अंतर्मन का प्रोग्रामिंग करना दोबारा, क्योंकि रीप्रोग्रामिंग मतलब दोबारा प्रोग्रामिंग करना। अब ये अंतर्मन का ही क्यों करना है और प्रोग्रामिंग करना मतलब क्या है, क्योंकि पहले कहाँ हुआ है उसका प्रोग्रामिंग, पहले इसके बारे में बेसिक्स जान लेते हैं ताकि हम अच्छे से ये जान सके कि ये प्रोग्रामिंग करना क्यों जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या क्या समझना और कौन कौन से बेसिक्स समझना जरूरी है। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग या जो उसका प्रोग्रामिंग है, पहले तो वो प्रोग्राम होता है, उसके बाद में हम उसे रीप्रोग्राम करते हैं। उसका जो प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली हमारे लाइफ के काफी सारे डिसीजंस को डिसाइड करता है, या उसके ऊपर हमारे बहुत सारे लाइफ के इवेंट्स डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम हमेशा देखते आए कि नॉर्मल लाइफ के तीन ही प्रॉब्लम्स होते हैं और वो है हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स। तो ये सारे ही प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो हमारे प्रोग्रामिंग में है, और वो प्रोग्रामिंग है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। अब सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कहाँ से आता है, जिसकी वजह से हम ये सेशन ले रहे हैं कि उसका रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम कहाँ से आता है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जब हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं बाजार से, दुकान से, तो वो अगर उस कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम नहीं होगा डाला हुआ, तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता हमारे लिए। उसमें विंडोज या और भी कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अगर वो प्रोग्राम्स डाले हुए हैं तभी वो हमारा कुछ काम कर सकता है, हम उस पर काम कर सकते हैं, हम उससे कोई रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो उसी तरह बिल्कुल जब हम छोटा एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होता है, उसका जो प्रोग्रामिंग है वो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं होता है उसमें। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा आसपास के माहौल को देखने लगता है, सुनने लगता है, जानने लगता है और अनुभव करने लगता है, एक्सपीरियंस करने लगता है, तो अपने आप उसके प्रोग्राम्स बनने शुरू हो जाते हैं उसके ब्रेन में, और वो सारे जो प्रोग्राम्स है वो उसी तरह से बनते हैं जिस तरीके से बच्चे का माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसके आसपास के लोग होते हैं, जैसे कि माँ बाप है, बाकी सारे बुजुर्ग हैं, या सिबलिंग्स यानी कि उसके भाई बहन हैं, तो उनके सबके बिहेवियर के, उनके सबके बातों पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा क्या प्रोग्रामिंग उसके ब्रेन में डेवलप हो रहा है, कैसे उसका ब्रेन प्रोग्राम हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग होता है जब हम 0 to 7 के एज तक होते हैं, क्योंकि 7 साल तक उस बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता है, तो उसे ये समझ में नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसलिए उसको जो देखने वाले होते हैं घर के लोग, बड़े बुजुर्ग, वो बताते हैं कि ये करो ये मत करो, या फिर उसे रोकते हैं, कहीं वो आगे के पास चला जाता है, कहीं वो ट्रैफिक वाले रोड पे चलना चाहता है तो हमें उसे रोकना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि क्या सही है क्या नहीं सही है।
क्योंकि उसका ब्रेन बिल्कुल डेवलप नहीं है, बाजार से नए खरीदे हुए कंप्यूटर की तरह है कि जिसमें कोई प्रोग्राम ही नहीं अभी तक डाला गया। तो उस प्रोग्राम, उस कंप्यूटर को, उस ब्रेन को जब वो आसपास के लोगों को देखने लगता है, सुनने लगता है, उनका मतलब समझने लगता है या अपने तरीके से अनुभव करने लगता है कि उन लोगों में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, वो लोग मुझे क्या बात कर रहे हैं मुझसे, ये सारा उसका प्रोग्रामिंग बनता जाता है। तो वो होता है बेसिक प्रोग्रामिंग। और यही प्रोग्रामिंग जीरो मतलब हमारी बर्थ से लेकर, हमारे जन्म से लेकर, डे वन से लेकर डे 7 साल तक का जो हमारा ब्रेन होता है, डेवलप होता है, तो वो ब्रेन का प्रोग्रामिंग होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग होता है। और उस प्रोग्राम के तहत ही, उस प्रोग्राम पे ऊपर ही हमारी सारी जिंदगी की आगे की इवेंट्स जो है, जो भी घटनाएं हैं, जो भी लोग हम अट्रैक्ट करने वाले हैं जिंदगी में, वो डिपेंड होते हैं। तो अगर उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी रह गई, उसमें कहीं कुछ गलत प्रोग्रामिंग हो गया, वो तो होता ही है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और बच्चे को बड़ा करने में हम सब जानते हैं कि कितनी तकलीफें होती है, माँ बाप को, आसपास के लोगों को, उसे सुरक्षा देना, उसको ठीक से सिखाना, ये सारी चीजें करते वक्त बहुत सारी तकलीफें झेलते हुए वो सब ये करते हैं, लेकिन उस वक्त जो अनुभव बच्चा करता है वो उसका प्रोग्रामिंग बनता है। और वही प्रोग्रामिंग आगे चलकर उसकी जिंदगी के इवेंट्स को, यानी कि घटनाओं को, उसकी जिंदगी में आने वाले लोगों को, ये सारी चीजों पर वो अफेक्ट करता है। तो अगर आज हमें ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ ये बातें ठीक है, लेकिन ये बातों में बहुत गड़बड़ी है, ये सब तो ठीक है, इस बात में ठीक है, लेकिन इस इन सारी बातों में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो कोई भी हो सकते हैं, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप से लेकर। तो अगर ये प्रॉब्लम्स हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे या हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि हमारी कहीं तो भी गलत प्रोग्रामिंग हो गई है। अब बात ऐसी है ना कि ये किसी को याद नहीं रहता कि मैंने डे वन से लेकर 7 साल तक मैंने क्या देखा है, मैंने क्या सुना है आसपास के लोगों से, और मैंने क्या महसूस किया है, मैंने क्या फील किया है, मैंने क्या अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस किया है, ये किसी को भी याद नहीं रहता। तो अगर वो याद नहीं है तो हम ये भी नहीं समझ सकते कि हमारी प्रोग्रामिंग ठीक हुई है या नहीं हुई है। लेकिन उसको समझने का एक जरिया ये है, अगर हमारे आज के लाइफ में, आज की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स है इन सारी बातों को लेकर, हेल्थ हो, वेल्थ हो, या हमारी रिलेशनशिप्स हो, तो उन प्रॉब्लम्स को देखकर हम ये समझ सकते हैं। और अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम्स बहुत बार 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 रिकर हो रही हो कि हमने बहुत सारा उस पर काम कर लिया लेकिन फिर भी वो उस टाइप के प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, जैसे कि कई सारे लोग होते हैं कि जिनकी लाइफ में बार बार रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, बार बार फिनांसिस के इश्यूज आते हैं, बार बार हेल्थ के इश्यूज आते हैं, तो ये अगर बार बार हो रहा है तो इसका साफ मतलब हम ये लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रामिंग है बचपन में वो गलत हुई है, और उसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम्स बार बार फेस कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकले, जैसे कि आपको पता है कि माइंड टेक्निक के बहुत सारे विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनको लेकर हम कोशिश करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टेक्निक्स है उसको लेकर कि हम हमारे प्रॉब्लम से बाहर निकले, लेकिन वो तभी हो पाता है अगर ये सारे टेक्निक्स अप्लाई करते वक्त हमारा जो प्रोग्रामिंग है, पुराना प्रोग्रामिंग निकल जाता है और हमारा रीप्रोग्रामिंग होता है सबकॉन्शियस का, कि जो हम नए तरीके से सोचना, देखना, अनुभव करना और समझना शुरू करते हैं, तभी होता है। लेकिन अगर हम सीधा डायरेक्टली सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के तरीके से समझ कर ये टेक्निक्स अपनाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा और जल्दी हमारी जिंदगी में जो चाहते हैं वो रिजल्ट्स पा सकते हैं। और इसीलिए सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ये बहुत ही इफेक्टिव और फास्ट मेथड है हमारी प्रॉब्लम्स से बाहर आने के लिए और नई तरीके से हमें जिंदगी जीने के लिए। तो आइए देखते हैं
कि ये जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे हुआ है और इसके क्या आगे चलकर हमारे हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब अगर हमें ये समझना है कि ये प्रोग्राम्स कैसे डाउनलोड होते हैं, कहाँ डाउनलोड होते हैं और सबकॉन्शियस को ही क्यों रिप्रोग्राम करना है, सबकॉन्शियस में ही क्यों ये डाउनलोड होते हैं, तो सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं कि हमारे मन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग की टेक्निक अप्लाई करना चाहते हैं हमारी लाइफ में, तो हमें हमारे मन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम कह सकते हैं कि बहिर्मन, बाह्य मन, बाहर का मन, और सबकॉन्शियस माइंड को हम कह सकते हैं कि अंतर्मन यानी अंदर का मन। तो ये जो दो पार्ट्स है उसमें से जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 90% है, उसका जो पार्ट है, उसका जो भाग है वो 90% है और सिर्फ 10% पार्ट है कॉन्शियस माइंड का। तो जाहिर है उनकी पावर भी इसी तरीके से है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर जो है वो 90% है और कॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो सिर्फ 10% है। और हम जिस बारे में बात करते हैं नॉर्मली कि मुझे ये लगता है, मैंने ये सोचा, मुझे ये समझ में आया, वो सारा जो होता है वो कॉन्शियस माइंड की यानी बहिर्मन के बारे में बात है। हम हमारे अंतर्मन के बारे में अब तक हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें कभी सिखाया नहीं गया और ना ही हमने कोशिश की है कि अंतर्मन से कैसे कनेक्ट किया जाए, उससे कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं, पहले तो कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे दो प्रकार के मन के भाग हैं, उसमें से एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी जान लेते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो डायनामिक होता है, मतलब वो बार बार बदलता रहता है। वो अगर उसे कोई नई आइडिया बता दी जाए, उसे कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई जाए, नई बातें सीखने के लिए कहा जाए, तो वो बहुत एक्साइट हो जाता है और कहता है कि हाँ यस यस हम ये करते हैं। तो इस तरीके का वो होता है, वो बहुत आसानी से जल्दी समझ जाता है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हैबिचुअल माइंड है, मतलब वो उन्हीं बातों को अच्छे से समझता है जो बार बार प्रैक्टिस करके उसने अडॉप्ट की है, उसने अब्सॉर्ब की है, उसने सीखी है। एकदम से कुछ नया आ जाए तो वो पीछे हट जाता है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस क्रिएट करता है मतलब थोड़ा विरोध दर्शाता है कि ये क्या नया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये तरीका है सबकॉन्शियस का और कॉन्शियस का काम करने का। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो किसी लॉजिक को नहीं समझता, वो लैंग्वेज को नहीं समझता, भाषाओं को नहीं समझता, आंकड़ों को नहीं समझता, नंबर्स को नहीं समझता, वो सिर्फ भावनाओं को समझता है, वो पिक्चर्स को समझता है, वो फीलिंग्स को समझता है जो हम महसूस कर रहे हैं, इमोशंस को समझता है, कलर्स को समझता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड की समझ में आती है। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह लॉजिकल माइंड है, वो हमारी भाषाओं को समझता है अलग अलग, वो हमारे आंकड़ों को समझता है। तो इसलिए वो कम ज़्यादा, फायदा टूटा, नफा नुकसान, ये सारी बातें जो है ना वो हमारे कॉन्शियस माइंड को समझ में आ जाती है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये कुछ भी समझ में नहीं आता। अगला इम्पॉर्टेंट डिफरेंस उन दोनों में ये है कि कॉन्शियस माइंड जो है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी होती है, मतलब अभी अगर आपको कहा जाए कि 10 दिन पहले आपने कौन से कपड़े पहने थे तो शायद बहुत थोड़े लोग बता पाएंगे या फिर कोई नहीं बता पाएगा। ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो सिर्फ 1-2 दिन का या थोड़े ही समय की बातों को याद रख पाता है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी सारी बातों को, काफ़ी लंबी बातों को स्टोर करके रखता है। उसके पास हमारे सिर्फ इस जन्म के नहीं, मतलब हम जिस दिन जन्म हमने लिया 0 से लेकर आज तक की तो मेमोरी होती ही है, लेकिन उसके पास हमारे कई सारे जन्म जितने हम ले चुके हैं उन सारे ही जन्मों की मेमोरी उसमें स्टोर्ड होती है।
बस वो हमें इसलिए याद नहीं आती या हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमें नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, उसे कैसे कनेक्ट होना है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है सबकॉन्शियस माइंड की। उसके पास जो भी जाता है, जो भी वो देखता है, महसूस करता है, फील करता है, सुनता है, वो सारा रिकॉर्ड कर लेता है, एक प्रोग्राम बन जाता है उसके अंदर। उसके अलावा कॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी रखता है कि अभी अभी जो जरूरी है बातें उतनी ही याद रहती है कॉन्शियस माइंड को। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में वो है कि कॉन्शियस माइंड को टाइम स्पेस इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पिछले साल ऐसे हुआ था, अगले साल ऐसे होने वाला है। उसके पास ये टाइम का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाता है क्योंकि उसे नंबर्स और फिगर्स ये सब समझ में आते हैं, तो उसको टाइम का कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को टाइम समझ में नहीं आता, उसके पास टाइम और स्पेस का कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड हमेशा दिस मोमेंट अभी नाउ इतना ही समझ पाता है टाइम के बारे में। इसलिए हम कहते हैं कि अफर्मेशंस अगर लेने हैं तो प्रेजेंट टेंस में लेने हैं। उसका यही कारण है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट टेंस अभी प्रेजेंट मोमेंट इतना ही जानता है। उसके लिए यही समय है, कल परसों बीता हुआ ऐसा कोई समय सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं है। और उसको स्पेस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि वो हर चीज को इसी जगह यहाँ पे यहीं पे या फिर ये यूं कहा जाए कि वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड, तो इसलिए उसे स्पेस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम और स्पेस उसके लिए सिर्फ एक ही है, वो है प्रेजेंट टेंस अभी यहाँ। ये बहुत दोनों में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्शियस माइंड जो हमारा है उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। एट ए टाइम वो एक या दो बातें ही ध्यान से कर सकता है क्योंकि वो एट ए टाइम बहुत सारी बातों पर ध्यान नहीं दे सकता। उसके बिल्कुल अलावा सब कॉन्शियस की कैपेसिटी होती है एक्सपैंडेड, ट्रिमेंडस कैपेसिटी होती है कि एट ए टाइम वो कई सारी लाखों हजारों बातें भी कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो रेस्पिरेशन है यानी कि सांस लेना सांस लेते रहना ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, इसलिए हम भूलते नहीं है। अगर कॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दिया जाए कि जिंदा रहने के लिए आपको सांस लेना है, देखो भूलना नहीं, तो हो सकता है कि वो कभी भी बंद कर दे सांस लेना क्योंकि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो भूल जाएगा। सांस लेना, हमारे डाइजेशन करना, ये सारा जो काम है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, हमारा हार्ट को पंपिंग करते रहना, ये सारा जो काम है ना वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। अब ये कैसे करता है, तो वो बचपन में हमें आदत पड़ जाती है क्योंकि आपने देखा होगा कि बिल्कुल नया नया पैदा हुआ जो बच्चा होता है उसका कोई रूटीन नहीं होता। वो कभी भी खाता है, कभी भी उसे भूख लगती है, कभी भी सोता है, कभी भी कुछ भी कर देता है। तो ये इसलिए है कि उसको अभी आदत नहीं है। जैसे जैसे उसको आदत हो जाती है कि इस वक्त खाना, इस वक्त सोना, इस वक्त जो कुछ काम करने हैं करना, खेलना, तो वो अपने आप उसका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे प्रोग्राम बना लेता है और वो अपने हाथ में ले लेता है ये सारे काम। और इसलिए फिर हमें कभी याद नहीं करना पड़ता कि हाँ रात हो गई है तो चलो सोना है। इसका एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण लेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाए कि जब हम नई नई गाड़ी सीखते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कोई भी हो, जब हम नई नई गाड़ी सीखते हैं, अगर फोर व्हीलर हम नया नया सीखते हैं, तो उस वक्त कई बार हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत टेंस होते हैं कि अरे बाप रे सिग्नल आ गया या बीच में कोई आ गया तो मुझे अब क्या करना है, मुझे अब एक्सीलेटर का पैर उठाना है, ब्रेक दबाना है, क्लच दबाना है, क्या करना है, बहुत मतलब दिमाग में बहुत सारी बातें शुरू हो जाती है। उस वक्त हम आसपास में कौन है क्या है ये बिल्कुल नहीं देख पाते, ना ही किसी की बातें सुन पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारा गाड़ी चलाना ऑटो मोड पे चला जाता है, हमें कोई
उसके लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम फोन पे बातें करते करते भी अगर सिग्नल आ गया तो हमारी गाड़ी रुक जाती है। अगर कोई हमसे पूछे कि कैसे रोकी अपनी गाड़ी, क्या किया, पहले ब्रेक दबाया या क्लच दबाया या एक्सीलेटर कम किया, हम बता नहीं पाते, हम ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी गाड़ी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा गाड़ी चलाने का जो प्रैक्टिस है, गाड़ी चलाने का जो टेक्निक है, गाड़ी चलाने का जो स्किल है, वो ऑटो मोड पे चला गया है, सबकॉन्शियस माइंड के पास, उसके अंडर, उसके चार्ज में आ गया है। और वो सारी चीजें बिल्कुल जैसे सीखा है, जो जो सीखा है अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करके वो करता है। इसलिए हमें एक बार गाड़ी सीखने के बाद, हम बातें करते वक्त भी गाड़ी चला सकते हैं, हम किसी को फोन पे सुनकर भी गाड़ी चला सकते हैं, गाने सुनकर भी गाड़ी चला सकते हैं, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती कि सामने कोई आया तो हम सबकॉन्शियस को पता है कि ब्रेक का पैर दबाना है। तो ये बात है कि जो जो चीजें हमारी हो जाती है तो वो अपने आप होने लगती है, उसके लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते और उनके लिए हमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता है। और यही रीजन है या यही बात है जिससे ये प्रूव होता है कि सबकॉन्शियस माइंड एट ए टाइम कई सारे काम कर सकता है। एक बार उसको आदत पड़ जाए, एक बार उसको प्रैक्टिस हो जाए, एक बार उसका प्रोग्राम बन जाए ठीक से, तो कई सारे काम एट ए टाइम कर सकता है। जैसे कि हम बातें करते वक्त, गाने सुनते वक्त, आसपास का नजारा देखते वक्त भी गाड़ी को अच्छे से चला लेते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के पावर में चला गया है। और इसके बाद एक बहुत ही लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में, तो वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब है कि एट ए टाइम कितनी बातें करना, कितनी बातों की प्रोसेस, कितनी बातों की प्रक्रिया हमारे मन के अंदर शुरू हो जाती है। तो कॉन्शियस माइंड हार्डली एक या दो ही बातें एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता है। मतलब जैसे कि अगर हम कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उस वक्त हम कोई लैंग्वेज की क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। कोई सवाल अगर हमसे पूछे तो हम कहते कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, फिर आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एट ए टाइम कई सारे काम करता है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कई गुना, हजारों गुना ज्यादा है कॉन्शियस माइंड से, और इसीलिए वो मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं वो कर सकता है। वो एट ए टाइम खा भी सकता है, सुन भी सकता है, देख भी सकता है, जवाब भी दे सकता है। ये सारा सब कुछ हमारा प्रोग्राम हो जाता है सबकॉन्शियस द्वारा और उसके द्वारा चलता है, तभी हम ये मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़े डिफरेंसेस है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के। ये अगर हम जान जाते हैं तो हमें अच्छे से पता चलेगा कि हमें किस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, जो कि ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है। जैसे हमने देखा कि 0 से 7 तक हमारे ब्रेन का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं, अच्छा बुरा, सुरक्षित असुरक्षित, ऐसे कोई बातें उसे समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे हम आसपास के लोगों को देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनकी बातों को जानने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है और 7 साल तक, करीब करीब 7 साल तक हमारे ब्रेन का जो प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एक छोटा सा पार्ट ये भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब साइंस द्वारा ये प्रूव हो चुका है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे 7 साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ अल्फा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहता है। मतलब जिसे हम बड़े होकर जानबूझकर थोड़ा रिलैक्स्ड स्टेट या रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करके मेडिटेटिव स्टेट में जाने की जो कोशिश करते हैं ना, उसी स्टेट में ऑलरेडी हमारा ब्रेन बच्चे का 7 साल तक होता है। तो उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी प्रोग्राम्स हमारे आसपास हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ डाउनलोड करना है, उन्हें सिर्फ लेना है, बगैर कोई लेबल लगाए कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या है। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे आसपास, उस बच्चे के आसपास जो 7 साल तक ये प्रोग्राम्स डाउनलोड कर रहा है, कई सारी ऐसी घटनाएं घटती है, कोई कई सारे नेगेटिव लोग होते हैं, कई सारी नेगेटिव बातें होती है,
जो वो बच्चा बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर आगे चलकर यही प्रोग्राम जो उसने ऑलरेडी डाउनलोड किया है 7 साल तक, उसके हेल्थ, उसके वेल्थ और उसके रिलेशनशिप्स पर असर करना शुरू कर देता है। और इसीलिए जब हमें ये बात पता चलती है कि हमारे हेल्थ वेल्थ या रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है और रिकरिंगली वो ऑकर हो रहे हैं, हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, हम समझ तो रहे हैं लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, वो हमारे ना चाहते हुए भी बार बार हमारी लाइफ में आते ही जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त हमें सबकॉन्शियस का रीप्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन नेगेटिव चीजों को निकाले बगैर हम कोई भी पॉजिटिव चीज अडॉप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपने सबकॉन्शियस में डाल नहीं सकते। और जैसा कि हमने देखा कि इसकी पावर 90% की है, तो कई बार हम समझ कर भी वो हमसे नहीं होता है। जैसे कि बच्चों को कहा जाता है कि नहीं पढ़ोगे तो आप बड़े बन जाओगे, आपका फायदा होगा, आप आगे चलकर आराम से रह पाओगे, जिंदगी कटेगी आपकी जिंदगी आराम से कटेगी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। वो समझते तो है लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रोग्रामिंग रॉन्ग हो गया है, तो वो कर ही नहीं पाते पढ़ाई। या फिर पैसों के मामले में भी बहुत सारे लोगों के, मैंने क्लाइंट्स का देखा है कि वो कमाते तो बहुत है, वो कमा लेते हैं, कमाने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन उन पैसों को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे रोकना है, उनको कैसे अपने पास रखना है, स्टोर करना है, ये वो नहीं समझते। और फिर कमाने के बावजूद भी काफी सारा वो उन्हीं लोगों की तरह हो जाते हैं जो नहीं कमा पाते, उनका हाल भी वैसे ही हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो प्रोग्रामिंग है वो गलत हो गया। और इसीलिए हमें ये प्रोग्रामिंग अगर ठीक करना है, उसे पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हम अगर पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं हमारी लाइफ में, जो कि अभी नहीं है, अभी फिलहाल किसी भी एरिया में इन तीनों में से कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है जो हम नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हमें उन्हें पॉजिटिव बनाना है, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हमें हमारे सबकॉन्शियस में जो प्रोग्राम हुआ है उसे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, तभी हम उन पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं कि कई बार ऐसे हो जाता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जब को हम जब सुनते हैं ना, उस मोमेंट ऐसे लगता है कि यस, अब तो मैंने ये कर ही लिया, अब तो बहुत इजी है, अब मुझे और किसी की जरूरत नहीं, मैंने ये सुन लिया है, मेरी समझ में आ गया है और मैं अब ये कर लूंगी। द मोमेंट हम उस माहौल से बाहर आ जाते हैं या द मोमेंट वो मोटिवेशनल स्पीकर हमारी सामने से चले जाते हैं, वो सारा जो एंथुजियाज्म, वो सारा जो उत्साह, वो सारा जो हम सोच रहे थे ना, वो उतना ही झट से चला जाता है, क्योंकि इसकी बेसिक वजह यही है कि हम कॉन्शियस माइंड से वो सारा समझ गए लेकिन वो सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस को समझाना, यही है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। और उसके लिए हमें सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के जो टेक्निक्स है ना, वही आजमाने पड़ते हैं, वही यूज करने पड़ते हैं। सिर्फ समझने से, सिर्फ जानने से, सिर्फ अच्छा लगने से या सिर्फ आइडिया दिमाग में आने से कुछ नहीं होता, जब तक हम उस बात को हमारे सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचाते, वो आइडिया, वो मोटिवेशनल स्पीच हमारे किसी भी काम का नहीं है। और इसीलिए ऐसे हो जाता है कि लाइफ में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के बाद भी, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं मेरे पास जो क्लाइंट्स आए हैं, कि कई सारी बातें वो नहीं छोड़ पा रहे या कई सारी बातें वो नहीं कर पा रहे जो कि उनके लिए अच्छी है, उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है, क्योंकि
वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और उससे कॉन्टैक्ट करने का, उसे समझाने का, उसका प्रोग्रामिंग बदलने का एक ही तरीका है कि सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के टेक्निक्स को यूज करना। तो अगर यहां तक हम समझ गए हैं कि सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग क्यों जरूरी हो और इसे कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है हमारी जिंदगी में अगर अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं, तो हमें सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग को, उसके टेक्निक्स को समझ कर, अच्छे से चुन कर यूज करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, नो डाउट, ये यूनिवर्सल लॉज में से एक है। हम यूनिवर्सल लॉज पर भी एक बड़ा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी के लिए काम नहीं करता है तो उन्हें ये नहीं पता कि हमारे सबकॉन्शियस को कैसे उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाए, उस तक कैसे पहुंचे, उसे कैसे काम पर लगाए जो हम चाहते हैं उसके लिए। तो ये भी बेसिक एक रीजन है कि लोग जो कहते हैं कि मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस को समझे ही नहीं, उन्होंने अभी तक अपने सबकॉन्शियस के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, उसे कॉन्टैक्ट करने की, उस पर काम करने की कोई कोशिश नहीं की है। और जैसे ही हम ये कोशिश करने लगते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कई सारी नेगेटिविटी अपनी लाइफ से हटाना, और जो हम चाहते हैं उस तरीके की पॉजिटिविटी को हमारी लाइफ में लेकर आना। अब जब हमने 7 साल की उम्र तक सारे प्रोग्राम्स को डाउनलोड कर लिया है, तो 7 साल की उम्र में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। 7 साल के होने के बाद बच्चे को थोड़ा बहुत समझने लगता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके पहले जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम सिखाएंगे भी तो वो नहीं सीख पाते, वो भूल जाते हैं, लेकिन 7 साल के बाद उसे होश आने लगता है, उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप होने लगता है कि हाँ नहीं, ये मेरे फायदे का है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन तब तक क्या हुआ है कि सारे जो प्रोग्राम्स है वो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डाउनलोड कर लिया है वो प्रोग्राम्स को सिर्फ ये कॉन्शियस माइंड यूज करता है, उसी को इस्तेमाल करने का काम सबकॉन्शियस माइंड्स के प्रोग्राम्स को कॉन्शियस माइंड करता है। तो उसे बदलना कॉन्शियस माइंड के हाथ में नहीं है, कॉन्शियस माइंड उसे बदल नहीं पाता, क्योंकि वो इतना आसान भी नहीं है। सबकॉन्शियस की पावर 90% है जबकि कॉन्शियस माइंड की पावर 10% है सिर्फ। और इसीलिए हमने ये भी देखा है कि कई बार बड़े हो जाने के बाद भी, जैसे कि एडिक्शंस वाले लोग हैं जिनके कई सारे गलत चलत एडिक्शंस है, एडिक्शन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शराब सिगरेट का ही हो या नशीले पदार्थों का, मोबाइल का भी एक एडिक्शन है, चैनल सर्फिंग का भी है, वीडियो देखने का भी है, तो ये सारे एडिक्शंस भी सब लोग समझ तो पाते हैं कि गलत है, मेरा बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये छोड़ना है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ समझने के तौर पर कॉन्शियस माइंड में ही सोचा है। अब तक ये बात वो आसानी से सबकॉन्शियस तक पहुंचा नहीं पाए हैं, तो वो आदत को छुड़ाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, और फिर उन्हें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वो और ज्यादा 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 उस चीज में उलझ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे, ये तो बेसिक हो गया कि कैसे हमें सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है, क्यों करना है, इसके बारे में अब तक हमने देखा कि एक तो प्रोग्रामिंग कैसे होता है, और प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद आगे चलकर हमें क्या भुगतना पड़ता है, तो ये है सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग। और इसके बारे में अब हम देखेंगे कि उसको रीप्रोग्रामिंग कैसे करना है, क्योंकि क्यों करना है इसके बारे में हम जान गए हैं। एक एग्जांपल और एक देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे ये गलत एक्सपीरियंसेस, गलत अनुभव जो हम 7 साल के पहले लेते हैं, तो वो आगे चलकर
हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत ही अट्रैक्ट करते हैं या गलत ही अनुभव हमें देते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर एक कैंडल पड़ा है कहीं पे भी, एक मोमबत्ती है जलती हुई, तो बड़ों को तो पता है कि इसे हाथ नहीं लगाना, जल जाएगा, लेकिन छोटे बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है और वो तुरंत चले जाते हैं उसके पास। उनके पास सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होती है, एक अनुभव लेने की कि ये क्या है, मैं देखूँ तो। और उस क्यूरियोसिटी के बावजूद वो ये सोचे बगैर की वजह से वो जाकर वो बच्चा उस मोमबत्ती को हाथ लगा देता है। हो सकता है कि उसके आसपास कोई बड़ा ना हो, उसे कुछ कोई कहने वाला ना हो, तो जैसे ही वो जल जाता है, हाथ उसका बर्न हो जाता है, तो उसके लिए वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक प्रोग्राम बन गया कि मोमबत्ती मतलब डेंजर, जलना, जलन, बर्निंग। तो हो सकता है आगे चलकर जिंदगी में भी वो कभी कैंडल लाइट डिनर ज्वाइन कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए मोमबत्ती का अनुभव ही कुछ और हो गया है, उसके दिमाग में वो प्रोग्राम ही कुछ और हो गया है। इतना गहरा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है इन सारी चीजों का, अगर हम जो जो गलत अनुभव करते हैं, जो जो गलत बातें हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं 7 साल की उम्र तक, क्योंकि वही हमारा प्रोग्रामिंग बनाता है। अब और एक इम्पॉर्टेंट रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या हमें करना चाहिए। हमारी जो विशेस होती है, हमारी जो डिज़ायर्स होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ये मेरा ड्रीम है, ये सारा जो होता है ना, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है। मुझे इस तरह की ज़िंदगी जीनी है, मुझे इस तरह के रिश्ते चाहिए, मुझे इस तरह की फिनांशियल अचीवमेंट्स चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये सारा जो होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। और उसे पूरा करने वाला जो होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। और इसीलिए अगर इन दोनों में कोई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हमारी विशेष तो आती रहती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, लेकिन उनमें से बहुत थोड़ी सी विशेष फुलफिल होती है और फिर हमें लगता है कि कुछ तो भी गलत है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं ही अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम वो जो विशेष है, हमारे डिजायर्स है, वो सबकॉन्शियस तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ 10% का जो पार्ट है हमारा कॉन्शियस माइंड, वहां इमर्ज हो रही है, वहां पे उभर रही है, लेकिन उन्हें पूरा करने वाला जो पार्ट है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वहां तक हमारी विशेष को कैसे पहुंचाए। और अगर वो विश जो भी हमारे कॉन्शियस माइंड में आ रही है, हमें लग रहा है कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे ये करना है, और वो गलती से हमारे सबकॉन्शियस के प्रोग्राम के विपरीत है, तो इट बिकम्स हाईली इम्पॉसिबल, वो हमारे लिए और ज्यादा संघर्ष पैदा करती है उस विश को, उस ड्रीम को, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए। जहां पे भी हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि मुझे ये विश है, मुझे पैसा कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे प्यार या रिश्तों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो जान लीजिए कि आपकी जो विशेस है, आपकी जो डिजायर्स है, आपकी जो ड्रीम्स है ना, वो जो है उसके बिल्कुल विपरीत प्रोग्राम्स आपके सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं। क्योंकि द मोमेंट आपका कॉन्शियस माइंड की विश सबकॉन्शियस में आसानी से चली जाए, और अगर आपके सबकॉन्शियस में वही प्रोग्राम होगा जो उस विश के मुताबिक होगा, अनुकूल होगा, तो बहुत जल्दी फटाफट आपकी विशेस पूरी होने लगती है, और फिर हम कहते हैं कि हाँ, ये बंदा कितना लकी है, वो जो भी चाहता है उसे मिल जाता है। तो ये इसलिए नहीं मिलता है कि कोई लकी है, उनके प्रोग्रामिंग को
पहले से ही वो पॉजिटिव हो गया है, उनके विशेष के मुताबिक हो गया है, इसलिए उन्हें वो मिलता है। अगर किसी के साथ, हमारे साथ ऐसा नहीं है, तो हम वो हमारा रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ताकि हम जो विश कर रहे हैं, हम जो डिजायर कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं, हमारा जो ड्रीम है, उसे पूरा करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस में सारे जो नए प्रोग्राम्स हमें डालने हैं वो हम डाल सके। और उसे डालने का मतलब ही है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के बारे में जानने से पहले एक और बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट बात हम जान लेते हैं कि साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमारी जिंदगी का, मतलब एक दिन अगर हम लेते हैं, तो उसमें सिर्फ 5% हम कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, 95% पूरा हमारा दिन जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम के मुताबिक ही होता है। अब कैसे? तो हम सेम तरीके से उठते हैं बिस्तर में से, सेम तरीके से चीजें करते हैं, जैसे कि ब्रश करना, ये करना, वो करना, चाय पीना, कॉफी पीना, जो भी है, और सेम तरीके से तैयार होते हैं, कपड़े करते हैं, और जो हमारा तरीका है बाहर जाने का, काम पर जाने का, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो ये सारा जो है ना वो 95% हमारा उसी तरीके से होता है, उसी तरीके से काम पर जाते हैं, काम पर जो भी करना है करते हैं, वहां से घर आते हैं सेम तरीके से, फिर चाय या जो भी नाश्ता करना है करते हैं, टीवी देखना है, ये वो बातें करना है, जो करना है करते हैं, फिर रात को हमारे सेम टाइम पर सोने चले जाते हैं। तो इस पूरे 24 घंटे के दिन में हार्डली 5% जो है हम कॉन्शियसली जीते हैं, कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, बाकी सारा तो रिपीट 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 होता जाता है। यानी कि जो प्रोग्राम अंदर बन गया है हमारे सबकॉन्शियस के, हम उसी को चलाते रहते हैं, या वही चलता रहता है हमारी जिंदगी में। और फिर हम ये सोचते हैं कि लाइफ कितनी बोर है, कितनी रूटीन है, कोई चेंज नहीं है। चेंज अपने आप कहाँ से आएगा? जब तक वो सबकॉन्शियस में नहीं है, आपका सबकॉन्शियस आप नहीं बदलते, तब तक आपका लाइफ नहीं बदलेगा। तो मतलब हमें खुद को लकी बनाना, हमारे सारे विशेस को, डिजायर्स को कंप्लीट करना, हमारे मन के मुताबिक जिंदगी को जीना, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना, उसे बदलना। जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस बदल जाता है, हमारी लाइफ बदल जाती है। जैसा कि अब हम जान गए हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हैबिचुअल माइंड है, मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से वो सीख जाता है, वो लर्न करता है। सिर्फ कोई ज्ञान, जैसे कि अभी आपने ये वीडियो सुना, देखा, आपको समझ में आ गया कि मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस लाने हैं, मुझे ये जो मेरा नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुआ है वो निकाल देना है, और सिर्फ उसे पॉजिटिव करना है, मेरे विश के, मेरे डिजायर के, मेरी इच्छा के मुताबिक प्रोग्रामिंग मुझे अपने माइंड में लाना है। लेकिन सिर्फ इतना समझने से सबकॉन्शियस माइंड नहीं सीखता, और इसीलिए कई बार शुरू में बहुत लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है कि मैं समझ तो रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है मुझसे, या मेरा माइंड नहीं समझ रहा है, वो माइंड मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, आई एम हेल्पलेस, मैं समझ रही हूँ फिर भी। तो इसका वजह और इसका जो कारण है वो यही है कि सबकॉन्शियस माइंड का सीखने का तरीका अलग है। जैसे कि बचपन में हम जब चलना सीखते हैं, हार्डली 1-1.5-2 साल तक हम चलना सीखते हैं, लेकिन एक बार हम चलना सीख जाते हैं ना, तो उसके बाद चाहे हम 80, 90, 100 साल के भी हो जाए, चलना नहीं भूलते, क्योंकि सबकॉन्शियस की मेमोरी लॉन्ग होती है। उसे एक बार ठीक से जो हमें चाहिए वो सिखा दो, लेकिन वो सिखाने में उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, वो एक बार में नहीं सीखता, समझने से वो नहीं सीखता, वो बार बार जब उसकी प्रैक्टिस करेगा तभी वो सीखता है। तो हमें भी उसी तरीके से
उसे सिखाना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के, उसे रीप्रोग्राम करने के, उसे पुराने प्रोग्राम को हटाकर नए प्रोग्राम डालने के, ताकि हम अपनी जिंदगी में सारी नेगेटिविटीज को दूर करके पॉजिटिव चेंजेस ला सके, हमारे डिजायर्स को कंप्लीट कर सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबकॉन्शियस को कैसे रीप्रोग्राम करें। तो बेसिकली सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के तीन तरीके हैं। तीन तरीकों से हम सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उसका जो प्रोग्राम है, जो हमें नहीं अच्छा लगता, जो हमारे डिजायर्स के, विश के, हमारे जो लाइफ के बारे में जो हमारी समझ है उसके खिलाफ है, उसके विपरीत है, उसे चेंज करना है, उसके अपोजिट है, तो वो तीन तरीके से चेंज किया जा सकता है। अब ये कौन से तीन तरीके? सबसे पहला तरीका, ये वही तरीका है जिस तरीके से हमने डाउनलोड किए थे सारे प्रोग्राम अपने सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब 0 to 7 तक जब हमारा जो माइंड होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे कि हमने देखा कि वो मेडिटेटिव स्टेट में, रिलैक्स्ड स्टेट में, यानी कि अल्फा या थीटा स्टेट में होता है, जिस स्टेट में हम बहुत आसानी से जो चीज बार बार कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस में अंदर ले सकते हैं, या जल्दी ले सकते हैं, हमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। तो इसका मतलब है कि हमें या तो रिलैक्स्ड मोड में जाकर जो भी नया सीखना है, जो भी चेंजेस करने हैं, उसके बारे में काम करना पड़ेगा, या तो फिर उसे कई बार ये भी कहा जाता है कि हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर हम कुछ बातें चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हिप्नोटिक स्टेट का मतलब भी यही है कि माइंड को रिलैक्स करना, अल्फा या थीटा लेवल में लेकर जाना। लेकिन इसके लिए हो सकता है शायद हमें औरों की जरूरत पड़े, या फिर खुद सेल्फ हिप्नोसिस सीख के, रिलैक्सेशन टेक्निक सीख के आप इसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया और सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप कुछ भी बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए जो अफर्मेशंस है या उसके बारे में जो डिटेलिंग है, उसे आप रिकॉर्ड करके सोते वक्त चलाते रहिए। मतलब आप सो भी जाओ, नींद में चले जाओ, तो भी उसे चलाते रहिए, क्योंकि उसी वक्त हमारा जो सबकॉन्शियस है वो पूरी तरह अवेक होता है। वो तो 24 घंटे अवेक होता है, जागता रहता है, लेकिन जब तक हम जाग रहे हैं, सोए नहीं है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको दबा देता है, उसको डॉर्मेंट स्लीपिंग मोड में डाल देता है, कुछ भी उसको डिसाइड नहीं करने देता, कुछ भी काम नहीं करने देता है, काम इन द सेंस नया कुछ सीखने का, जो पुराना है वो तो चलता ही रहता है। तो इसलिए जब हम सोते हैं ना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, उसको वॉचमैन कहा गया है, वो अलाउ नहीं करता कोई बातें, कोई चीजें सबकॉन्शियस में जाने के लिए, तो अपने आप सबकॉन्शियस का रीप्रोग्रामिंग नहीं हो पाता है। तो अगर हम आसान तरीका अपनाना चाहते हैं, कि जैसे कि सपोज मेरे एक क्लाइंट का प्रॉब्लम था कि वेल्थ का प्रॉब्लम था, उनके फाइनेंसिस का प्रॉब्लम था, पैसों के प्रॉब्लम थे, तो मैंने उनको कहा कि आप जो भी अफर्मेशन के लिए ले रहे हैं या जो भी गाइडेड मेडिटेशन मैंने उन्हें दिया था, तो उसको आप रात को चला दीजिए, चाहे आप सो भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसको चला दीजिए, और ध्यान नहीं देने की जरूरत उसको कि आप सुन रहे हो नहीं, क्योंकि ध्यान देना फिर कॉन्शियस माइंड का काम होता है, आपको ध्यान नहीं देना है, बस चला देना है और सो जाना है आराम से, तो वो आपके सबकॉन्शियस में बहुत जल्दी पहुंच जाता है उस वक्त जब वो पूरी तरह रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, ब्रेन आपका अल्फा या थीटा लेवल में, स्टेज में होता है। तो ये एक तरीका है कि रिलैक्स्ड स्टेट में या सोते वक्त आप उन चीजों को सुना कीजिए, या तो खुद की आवाज में, या तो कोई आपके पास रिकॉर्डेड अफर्मेशंस या मेडिटेशन होगा, गाइडेड मेडिटेशन होगा उस चीज के लिए, तो वो सुना कीजिए। आप बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर भी आप वो सारा पा सकते हैं, या आप वो सारी चीजें, चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ,
और ये जो मैं जिस प्लांट की बात बता रही थी, तो उनका यही होता था कि वो सो जाते थे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी पूरी वो गाइडेड मेडिटेशन सुनी ही नहीं, लेकिन आज वो जब उसको 1 महीने तक करते रहे, तो उसके बाद में उनके फिनांसिस में अपने आप चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जितना सबकॉन्शियस में जाता रहेगा, सबकॉन्शियस इमीडिएटली आपके पास वो सारी चीजें, वो लोग, वो घटनाएं, वो बातें अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये एक तरीका है, फर्स्ट तरीका है, जो कि रिलैक्स स्टेट में, हिप्नोटिक स्टेट में सोते वक्त वही अफर्मेशंस, वही गाइडेड मेडिटेशन चलाइए जो आप चाहते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा क्या तरीका है। तो पहला जो टेक्निक था, या पहला जो रिप्रोग्रामिंग करने की, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्रामिंग करने का जो प्रोसेस था, वो है रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आपको जो डालना है वो डालना है। दूसरा जो है वो है रिपीटिशन। क्योंकि जो हमने बचपन में किया है, हमने जो स्कूल में पढ़ा है, जब अल्फाबेट्स पढ़े थे, यानी काखा गागा होगा या एबीसीडी होगा, तो हमें एक दिन में नहीं आया था। हमने 100 बार रोज रोज 1 साल तक लिखा उसे, तब जाकर आज भी हम नींद में से उठकर भी उसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो मोड पे चला गया, प्रोग्राम हो गया है। तो इतनी सिंपल सी बात है कि जो भी चीज मैं बदलना चाहती हूँ अपने लाइफ में, उससे रिलेटेड जो अफर्मेशंस है, उनको मुझे बार 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 1 साल, इतना भी नहीं लेकिन जितना ज्यादा हो सके, जब तक मुझे रिजल्ट ना मिले तब तक प्रैक्टिस करते रहना, बार बार, रिपीटिटिवली। इसलिए मैं लिसन टू योर बॉडी के वीडियोस में भी हमेशा कहती रहती हूँ कि आप अगर लिखोगे अपने अफर्मेशंस, और रोज एक टाइम डिसाइड करके, सोने से पहले या दोपहर में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप लिखते जाओगे ना, तो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी, रिपीटिशन होता जाएगा, और जितना रिपीटिशन होता जाएगा वो आपके सबकॉन्शियस में जाता रहेगा। तो ये जो है सेकंड मेथड है, सेकंड जो टेक्निक है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का, वो है रिपीटिशन, 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 बार बार करते रहना। इसीलिए अफर्मेशंस को कहते हैं कि 5 पेजेस लिखो, 100 बार लिखो, 1000 बार लिखो, क्योंकि जितना रिपीट करोगे उतना जल्दी वो आपके सबकॉन्शियस में पहुंच जाएगा, वो आदत बन जाएगी उसकी। तो इस तरीके से पहला, सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस है, वो या तो आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में सबकॉन्शियस को ये बताते रहो कि जो आपको चाहिए। सेकेंड स्टेप है कॉन्शियसली, जब आप जाग रहे हो आप उसको रिपीट करते जाइए। अगर आपको बहुत एंजाइटी है, आपको बहुत इरिटेशन है, बहुत रेस्टलेसनेस है आपके अंदर, ऐसे क्लाइंट्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम पीसफुल, मैं शांत हूँ। अब जब भी खाली टाइम मिलेगा, आपको खाली वक्त मिलेगा, आप इस अफर्मेशन को लिखते रहिए, बोलते रहिए, या तो रिकॉर्ड करके सुनते रहिए, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। अपने आप जब द मोमेंट ये रिपीटेशन होता जाएगा, तो आपके सबकॉन्शियस को जब अंदर चला जाएगा सबकॉन्शियस के, तो वो सारा इरिटेशन, आपका अनोयंस, आपका गुस्सा, आपका रेस्टलेसनेस अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मुझे क्या होना है, शांत होना है। ये तरीका है दूसरा कि रिपीट कीजिए जो भी आप चाहते हो, तब तक, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का ये भी पूछना होता है कि कब तक रिपीट करना है, कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, ये डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर पाते हो। वो हर एक के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि रीप्रोग्राम करते वक्त हम क्या करते हैं कि जो अपोजिट तरीके के प्रोग्राम्स हैं अंदर पड़े हुए, मान लो मैं इसी जो एग्जाम्पल हमने लिया था इसी बात के लिए कि मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ, मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पर, या मुझे बहुत रेस्टलेसनेस होता है कि होगा कि नहीं, क्या होगा, ये वो। तो ऐसे लोगों के लिए
जितना ज्यादा अंदर प्रोग्राम होगा रेस्टलेसनेस का, उतना टाइम लगेगा। हर एक के लिए वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को एक महीने में रिजल्ट मिले तो किसी को हो सकता है 8 दिन में भी मिलेंगे या 1 साल भी लगेगा। इट डिपेंड्स कि आपका अंदर के जो प्रोग्राम्स है वो कितने सारे हैं, कितने क्वांटिटी में है, कितने इंटेंस है। इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि रिपीटेशन हम जब भी करते हैं, फिर चाहे वो अफर्मेशंस का हो या गाइडेड मेडिटेशन का हो या कोई मंत्रा का हो, तो आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जो मंत्रा चैंटिंग होती थी पुराने जमाने में जो लोग मंत्रा चैंटिंग करते थे, तो उनका जो हिसाब होता था वो हमेशा हजारों लाखों में होता था। 1 लाख का जाप, सवा लाख का जाप, इस तरीके से होता था, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि रिपीटेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी हमारा सबकॉन्शियस समझ जाएगा कि हम क्या चाहते हैं। तो ये सेकंड तरीका था रिपीटेशन। और तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो प्रोसेस है, या तीसरा जो टेक्निक है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का, वो है एनर्जी साइकोलॉजी, जिसके हिसाब से, जिसके मुताबिक काम करके हम बहुत जल्द, मतलब रिपीटेशन में या सोते वक्त उसे सुनने में जितना टाइम हमें लगता है, उससे काफ़ी जल्दी हम ये रिजल्ट्स पा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो एनर्जी साइकोलॉजी में काफ़ी सारे टेक्निक्स आते हैं, जैसे कि वो इमोशनल लेवल पर या हमारे इनर बैलेंसिंग पर काम करते हैं, जैसे कि EFT यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इनर हीलिंग, इनर टॉक सिस्टम, थीटा हीलिंग, ऐसे कई सारे सिस्टम्स आते हैं, चेंज टेक्निक्स आते हैं जो एनर्जी साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बारे में हम काफ़ी सारे 15-20 से भी ज़्यादा टेक्निक्स ऐसे अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसमें से जो बेसिक फंडाज है, जो कि हम एट द एंड टिप्स के रूप में देखना चाहेंगे, जो कि हमारे सबकॉन्शियस को बदलने के लिए हमें आसानी से काम आ जाएंगे कुछ भी नया सीखे बगैर, तो उनको हम एक बार रिपीट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 3 तरीके से हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसका जो पुराना प्रोग्रामिंग है, जो नेगेटिव गलत प्रोग्रामिंग, उसे बदल सकते हैं। सबसे पहला है जो है वो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हमें वो अफर्मेशंस या गाइडेड मेडिटेशन उस पर्टिकुलर चीज के मुताबिक, उस पर्टिकुलर चीज के लिए सुनना है सोते वक्त। दूसरा जो हमने देखा था वो है कि रिपीटेशन, मतलब अगर हमें कोई बात करनी है और वो हमारे लिए आसान नहीं हो रहा है, वो स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है, कुछ ना कुछ संघर्ष ला रहा है उस बात के पूरे होने में, उस लक्ष्य को पाने में, तो हमें क्या करना है कि उस लक्ष्य को पा लिया, इस तरीके के अफर्मेशंस को या गाइडेड मेडिटेशन को लेकर उसे जितना ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं, उस अफर्मेशन को बार बार लिखना, चैंट करना और रिकॉर्ड करके सुनना, ये तीनों बातें हम कर सकते हैं। इसके लिए और ज़्यादा जानकारी आपको, मेरा एक और वीडियो है अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं इसमें, तो वो भी आप देखिएगा, मैं इसमें लिंक दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि क्यों अफर्मेशंस भी कभी कभी काम नहीं करते हैं कि लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप सही तरीके से लेते हैं, अगर आपका अफर्मेशन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाते हैं, तो उसको तो काम करना ही है। तो उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने में हम कहाँ गलती करते हैं या हम कहाँ गड़बड़ करते हैं, वो बात आपको डिटेल में उस अफर्मेशन की वीडियो में मिल जाएगी। वो मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, उसे भी आप सुन लीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि या तो रिलैक्स स्टेट में वो बातें हमारे मन के अंदर जानी चाहिए, या तो रिपीटेशन करना है हमें जितना ज़्यादा हो सके, लिखना, बोलना, सुनना। फिर विजुअलाइजेशन भी एक टेक्निक है जो हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है।
जैसे कि हमने अफर्मेशन लिखना बोलना है, उसी तरह विजुअलाइजेशन में हमें क्या करना है कि जो चीज हम पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, जो डिजायर हम चाहते हैं, उसे एक्चुअली पांचों सेंसेस को यूज करके देखना, इमेजिन करना अपनी आंखों के सामने, ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का। उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है कि पांचों सेंसेस को कैसे यूज करके हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और उसे इफेक्टिव बना सकते हैं, तो वो भी मैं यहाँ लिंक दे रही हूँ, आप उसे भी एक बार सुन लीजिए। तो दोस्तों, ये था सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स है, उन्हें कैसे करें इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके बारे में ये सारी जानकारी। और इस वीडियो के सुनने के बाद आई एम श्योर कि आप ये समझ गए होंगे कि सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग कैसे होता है, उसे मुझे रीप्रोग्रामिंग क्यों करना है, और जहां जहां मुझे रीप्रोग्रामिंग करना है वो कैसे करना है। प्रोग्रामिंग तो मेरा 0 से 0 to 7 तक के एज में हो चुका है। अगर मुझे अपनी लाइफ में हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई संघर्ष करना पड़ रहा है कुछ चीज़ों को पाने के लिए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस के प्रोग्रामिंग को चेंज करना ज़रूरी है, और इसके लिए मुझे करना पड़ेगा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम, क्योंकि वो प्रोग्राम्स जो है मेरे सबकॉन्शियस के अंदर, वो मेरे डिज़ायर्स को मेरे कॉन्शियस माइंड के द्वारा देखे गए या चुने गए गोल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें मुझे निकाल देना है और उनको जो सपोर्टिव है, जो उसकी हेल्प करेंगे, जो उसे कंप्लीट होने के लिए, जो मेरे गोल्स को कंप्लीट होने के लिए मदद करेंगे, ऐसे जो थॉट्स है, ऐसे जो प्रोग्राम्स है, वही मुझे डालने हैं। इसके लिए मुझे करना है अलग अलग तरीके हैं कि रिलैक्स स्टेट में मुझे वो अफर्मेशन सुनने हैं, या तो फिर रिपीट करना है वो अफर्मेशंस को जितना ज़्यादा हो सके, या फिर एनर्जी साइकोलॉजी के टेक्निक्स को यूज करके, यानी कि विजुअलाइजेशन है, 5 senses को यूज करना है, इमोशनल हीलिंग है, बैलेंसिंग है इनर इमोशनल, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिटेल में और किसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन ये सिंपल टेक्निक्स है जो आप अपने लेवल पे किसी के हेल्प के बिना कर सकते हैं। इस बात को जानने के बाद कि कहाँ मुझे चेंज चाहिए, कहाँ मुझे तकलीफ आ रही है ज़िंदगी में, और उसके जो प्रोग्राम्स है उसको चेंज करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो दोस्तों, आई होप कि ये सारी बातें समझने के बाद, जानने के बाद आप ज़रूर जान गए होंगे कि कहीं अगर मुझे पैसों के लिए, रिश्तों के लिए, या अपनी हेल्थ को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो मुझे क्या करना है, अपने पुराने प्रोग्राम्स को बदलना है। बस इतनी भी बात आप जान जाएंगे तो कैसे बदलना है, क्या बदलना है, ये सब आप अपने आप आपके पास आता जाएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि आप इस बात को अब समझ गए होंगे, आप इसका यूज करेंगे और अपने सारे ड्रीम्स को, गोल्स को, अपने डिज़ायर्स को बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसके बारे में डाउट्स हैं, कुछ और आपको पूछना है, तो आप अपने डाउट्स या अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख सकते हैं। उसी तरह आप इसे यूज़ करने के बाद अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो वो भी लिखिए, क्योंकि वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत, एक मोटिवेशनल बात बन जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कई सारे वीडियोस में ऐसे लिखा है कि मैंने ये शुरू किया, 1 महीने बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट्स मिला, तो आप भी ऐसे कमेंट्स लिख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपको इससे फ़ायदा होता है और आप इससे रिजल्ट पाते हैं। तो ये था सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के बारे में, क्यों करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम और भी डिटेल इस पे, उसके जो टेक्निक्स है एनर्जी साइकोलॉजी के, उस पे और भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन तब तक के लिए
आप ये सारा इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, इस पे काम कीजिए, इस पर अभ्यास कीजिए और फिर आप वो अगले वाले एडवांस वीडियोस को समझने में ताकि आपको आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।